हेलो एवरीवन, आज अपन इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं प्लांट एनाटॉमी की। ओके, प्लांट एनाटॉमी, इसमें अपन बात करने वाले हैं नीट के एग्जाम में पर ईयर क्वेश्चन इससे कितना था, फोर टू फाइव क्वेश्चन पर ईयर। ओके, ये इसमें पूछा जा रहा है नीट के एग्जाम में। उसमें अपन जो आज टॉपिक लेने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैस्कुलर, ओके, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ओके, इससे ये मिनिमम क्या, मिनिमम इससे पर ईयर कितना क्वेश्चन आ रहा, 1 क्वेश्चन पर ईयर, डन। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ओके, इसीलिए इसको यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में कवर किया जा रहा है। ये वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल बंडल, यानी वैस्कुलर बंडल में कौन कौन आ गया, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, इन प्लांट्स, डन। तो ये इसका डिफिनेशन हो गया वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का। क्या यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, अरेंजमेंट पढ़ने वाले हैं। किसका अरेंजमेंट पढ़ेंगे अपन, वैस्कुलर बंडल का। वैस्कुलर बंडल में कौन कौन आ रहा है, जाइलम एंड फ्लोएम, इसका अरेंजमेंट अपन देखेंगे। और उसकी के नेम पे आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, पर ईयर क्वेश्चन आता है इसे, एक क्वेश्चन तो मिनिमम है, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपन इसमें बात करेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में। वैस्कुलर बंडल तो अपन ने देख लिया, जाइलम एंड फ्लोएम होता है। फर्स्ट जो आपका है, फर्स्ट नंबर पे रेडियल, ओके, रेडियल अरेंजमेंट, डन। ये रेडियल कैसा होता है, रेडियल में क्या होगा, डिफरेंट रेडियस, यानी रेडियल यानी कि यहाँ पे लिख लो इसको, डिफरेंट रेडियस, यानी कि हम अपन क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, अरेंजमेंट देखने वाले हैं किसका, जाइलम एंड फ्लोएम का। इसका डायग्राम इस तरीके का होगा, ये आपका होगा, डन। और ये रहा आपका जाइलम, रेड वाला, रेड पार्ट आपका जाइलम हो गया। ओके, ये क्या है, जाइलम, ओके, एंड ये ग्रीन पार्ट जो है वो फ्लोएम हो गया। इस तरीके से हर एक जाइलम के बीच में एक फ्लोएम होगा। ओके, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, फ्लोएम, ओके। और जाइलम इसमें क्या होगा, जाइलम जो है वो क्या होगा, इसमें एक्सार्च, जाइलम का कंडीशन कैसा होगा, एक्सार्च, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, और सेंट्रीपिटल, डन। ये जो टर्म है एक्सार्च एंड सेंट्रीपिटल, ये जाइलम के अकॉर्डिंग है। यानी कि एक्सार्च में क्या होने वाला है, जाइलम का क्या मतलब है, इसमें एक्सार्च कंडीशन में क्या होगा, इसमें प्रोटोजाइलम जो है, प्रोटोजाइलम, ओके, प्रोटोजाइलम कहां पे रहेगा, टुवर्ड्स पेरिफेरी, ओके, या फिर आउटवर्ड इसको बोल सकते हैं। और मेटाजाइलम कहां पे रहेगा, एंड मेटाजाइलम
वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, टुवर्ड सेंटर, ये आपका सेंटर हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया सेंटर, डन। यही इसमें डिफरेंस है। प्रोटोजाइलम यानी कि प्राइमरी जाइलम इसको बोल सकते हैं, प्राइमरी जाइलम यानी कि जो जाइलम फर्स्ट बनेगा, जो सबसे पहले जाइलम बनेगा उसको अपन प्रोटो स्टैंड्स फॉर प्राइमरी, और मेटाजाइलम यानी कि प्राइमरी जाइलम के बाद सेकेंडरी टर्शियरी ओके जाइलम। तो यहाँ पे समझने वाली बात थी कि ये एग्जैक्ट कंडीशन क्या होगा, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का जो अरेंजमेंट है यानी कि ये जो सबसे आगे जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये प्रोटोजाइलम है, और ये आपका क्या है पेरीफेरी, ये जो है क्या ये सेंटर हो गया, ये पेरीफेरी ओके, ये बाहर जो रिंग है वो पेरीफेरी में है, तो ये यहाँ पे होगा। और इसका रेडियल का एग्जांपल क्या होगा, रेडियल कंडीशन का एग्जांपल क्या होगा इस तरीके का जाइलम का एग्जांपल, ये आपको ध्यान देना है। कैरेक्टर ऑफ रूट, ऑल रूट ओके, ऑल रूट्स यानी जितने भी प्लांट के रूट होंगे उसका ये कैरेक्टर होगा, यानी रेडियल कंडीशन में क्या होगा ये जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट इस तरीके से होगा, किसमें रूट में, तो ये आपको ध्यान रखना है बात। इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम होगा कि विच कंडीशन फाउंड इन रूट, रेडियल रहेगा, कंजॉइंट कोलेटरल, तो आपको टिक आउट करना है क्या रेडियल अरेंजमेंट का आपको टिक करना है, और ये अरेंजमेंट हो गया एग्जैक्ट कंडीशन और सेंट्रीपिटल, डन। यानी कि सेंटर में क्या रहेगा मेटाजाइलम, इसीलिए इसका बोला सेंट्रीपिटल, और प्रोटोजाइलम आउटर साइड में रहेगा तो इसलिए बोला इसको एग्जार्च, डन। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं सेकंड नंबर की, कंजॉइंट। सेकंड जो इसमें टर्म है वो क्या है, कंजॉइंट अरेंजमेंट, कंजॉइंट में क्या होने वाला है, फ्लोएम क्या है पेरिफेरी पे, इसमें क्या होगा सेम रेडियस, ओके यानी सेम रेडियस पे होगा। और यहाँ पे एक टर्म लिखो इसके रिगार्डिंग, फ्लोएम कहाँ पे रहेगा, फ्लोएम पेरीफेरी, ओके, एंड जाइलम कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, जाइलम जो है वो कहाँ पे सेंटर पे, डन। तो ये यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होने वाला है, फ्लोएम जो है वो पेरिफेरी पे रहेगा और जाइलम सेंटर में रहेगा, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा इस तरीके से प्रेजेंट। हो गया, ये हो गया फ्लोएम आपका पीएच, एंड ये वाला पार्ट क्या हो गया जाइलम, यानी कि सेंटर में जाइलम रहने वाला है, डन। और ये एग्जांपल इसका कौन सा होगा, इसमें देखा जाएगा ये स्टेम, कंजॉइंट जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ देखा जाएगा स्टेम में, डन। ये आपको ध्यान रखना है कि कंजॉइंट जैसे ही टर्म आए आपको ध्यान क्या रखना है कि स्टेम के अंदर ये देखा जाने वाला है अरेंजमेंट। इसका भी दो पार्ट है कंजॉइंट का, इसमें अपन बात करेंगे ए कंजॉइंट के अंदर ही, कंजॉइंट कोलेट्रल, ओके कंजॉइंट कोलेट्रल में क्या होगा, फ्लोएम कहाँ पे रहेगा, फ्लोएम आउटवर्ड ओके आउटर साइड, एंड जाइलम, जाइलम कहाँ पे रहेगा इनर साइड, डन।
इसका स्ट्रक्चर होगा कॉन्जॉइंट के अंदर, कॉन्जॉइंट कोलैटरल के अंदर दो पार्ट होगा डिवीजन, अपन यहाँ पे देख लेते हैं दोनों डिवीजन को, यहाँ पे समझेंगे। इसमें कॉन्जॉइंट कोलैटरल में क्या होगा, एक होगा ओपन, ओके इस तरीके से ओपन कॉन्जॉइंट कोलैटरल, ओके एंड सेकेंड वन क्लोज कॉन्जॉइंट कोलैटरल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ओके और इसे पर ईयर क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें क्या होने वाला है, ओपन में प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, डन, यानी कैम्बियम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एब्सेंस एब्सेंस ऑफ कैम्बियम, यानी कैम्बियम रिंग जो है यहाँ पे एब्सेंट रहेगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा इस तरीके का, ये आपका स्ट्रक्चर होगा इस तरीके का, ओके और ये रहा आपका कैम्बियम, ये क्या है कैम्बियम, डन। अब यहाँ पे ये वाला रेड लाइन जो है ये जाइलम का हो गया, यानी यहाँ पे जाइलम कहाँ पे है, इनर इनर साइड, ओके और ये वाला ग्रीन पार्ट जो है ये क्या है फ्लोएम, ओके और इसका एग्जांपल कौन सा होगा, ओपन का, ओपन का एग्जांपल डाइकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम, ये टर्म आपको ध्यान में रखना है, यानी ओपन कॉन्जॉइंट कोलेट्रल देखा जाएगा कहाँ पे, डाइकोट का स्टेम में, लेकिन देखा कहाँ जाएगा, ये कॉन्जॉइंट है तो स्टेम के अंदर ही देखा जाएगा, ना कि लीफ के अंदर, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी अभी आने वाला है, ओके। क्लोज कॉन्जॉइंट कोलेट्रल में क्या होने वाला है, इस तरीके का शेप होगा, ये होगा राउंड शेप, और इसमें क्या होगा, कैम्बियम क्या था, एब्सेंट था, इसमें कैम्बियम नहीं होने वाला है, ओके ये बस ऐसे ही स्ट्रिप रहेगा, और ये आपका पार्ट हो गया जाइलम वाला, कैम्बियम इसमें एब्सेंट है, और ये पार्ट क्या हो गया फ्लोएम, कैम्बियम यहाँ पे एब्सेंट है, डन। एग्जांपल इसका कौन सा होगा, एग्जांपल इसको देख लो, एग्जाम्पल में मोनोकोट स्टेम, और लीव, डन। तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया इसका कॉन्जॉइंट का, लीव्स के अंदर भी देखा जाएगा क्लोज कॉन्जॉइंट कोलेटरल, और मोनोकोट स्टेम के अंदर देखा जाएगा क्लोज कॉन्जॉइंट कोलेटरल, तो ये कोलेटरल के बारे में था, ओके ये इसका ए ए हो गया, डन कोलेट्रल। नेक्स्ट बाई कोलेट्रल, बी बी वाला पार्ट कोलेट्रल के अंदर ही, बाई कोलेट्रल कॉन्जॉइंट बाई कोलेट्रल, ओके ये किसके अंदर देखा जाएगा, पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इस तरीके का होगा ये, ओके इसमें डबल कैम्बियम रिंग आपको देखने को मिलेगा, डन। दो इसमें फ्लोएम होगा दो साइड पे, ये दोनों क्या है, ये हो गया आउटर कैम्बियम, और ये वाला पार्ट क्या हो गया इनर कैम्बियम, डन।
अब यहाँ पे फ्लोएम का ये पार्ट, ग्रीन वाला पार्ट क्या है, फ्लोएम, इनर फ्लोएम, और ये वाला पार्ट आउटर फ्लोएम। और यहाँ पे ये क्या हो गया, रेड वाला पार्ट जाइलम, यानी दो फ्लोएम होगा, आउटर इनर, और इसमें ये जाइलम। डन। इसका एग्जांपल क्या होगा, कंजॉइंट बाइक कोलेट्रल का एग्जांपल अपन यहाँ पे देखेंगे, कुकुरबिटा स्टेम। यानी कुकुम्बर के अंदर, कुकुरबिटा फैमिली जो है कुकुम्बर। डन। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसके स्टेम में कौन सा अरेंजमेंट है, कंजॉइंट बाइकोलेटरल आपको दिया रहेगा और पूछा जाएगा कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो कुकुरबिटा आपको टिक आउट करना है। डन। सेकेंड तो हो गया आपका कोलेट्रल, एंड अब थर्ड नंबर पे कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट जो है उसमें भी आप दो पार्ट देखेंगे, पहला होगा एम्फी वेसल। डन। और इसको क्या बोलेंगे, लेप्टोसेंट्रिक। ओके, ये लेप्टो स्टैंड फॉर फ्लोएम, डन। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा। ओके, ये आपका हो गया ग्रीन वाला पार्ट फ्लोएम, और इसमें ये वाला पार्ट क्या होगा, रेड जो है बाहर में वो हो गया क्या, जाइलम। इस तरीके का अरेंजमेंट कहाँ पे देखने को मिलेगा आपका, एग्जांपल इसका क्या होगा, ड्रेसिना एंड यूका। ये प्लांट है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये दो एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, ड्रेसिना एंड यूका। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ जाता है एज इट इज। ओके, बी फ्रेम, फ्रेम क्वेश्चन का इसी तरीके का होगा। ओके, एम्फी ट्राइबल सेकेंड जो है, और इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोसेंट्रिक। यहाँ पे हाइड्रो स्टैंड फॉर जाइलम या हाइड्रोम, जिसको जो वाटर कैरी करेगा, इसका नाम से ही पता चल रहा है क्या होने वाला है। इसमें जो जाइलम है वो सेंटर के, सेंटर में रहेगा, यानी बीच में रहेगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ये हो गया आपका जाइलम, एंड फ्लोएम जो है वो आउटसाइड। ओके, ये वाला पार्ट क्या हो गया, फ्लोएम। इसका एग्जांपल अपन देख लेते हैं, कौन सा इसका एग्जांपल होगा जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आएगा, फर्न एंड जिम्नोस्पर्म। ओके, ये दो एग्जांपल है इसका, फर्न और जिम्नोस्पर्म। ये आपको ध्यान में रखना है, आपसे अरेंजमेंट पूछा जाएगा तो एम्फीक्राइबल यानी हाइड्रोसेंटिक भी, आप हाइड्रोसेंटिक भी आपसे पूछ सकता है। तो ये हम लोगों ने तीन पूछा, तीन यहाँ पे समझा क्या, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का पार्ट। ओके, कैसे उसमें अरेंजमेंट होता है जाइलम एंड फ्लोएम का, और उसका एग्जांपल, एग्जांपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप एग्जांपल को मेमोराइज करें, बार बार उसको रिवीजन करें। ओके, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर ईयर एक क्वेश्चन इससे कम से कम आता है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है। डन। तो ये हम लोगों ने पूरा डिटेल में समझा, किसका, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम का। ओके, कैसे अरेंजमेंट होता है, ये एग्जार्च अपने समझा, यहाँ पे एग्जार्च इसको कंडीशन कैसा बोलेंगे, प्रोटोजाइलम जो बाहर में रहेगा, पेरिफेरी पे रहेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, एग्जार्च, और जो इनसाइड रहेगा मेटाजाइलम सेंटर की तरफ, तो उसको बोलेंगे एग्जार्च कंडीशन। डन। रेडियल वाला पार्ट हो गया,
इससे अभी जो समझाया गया इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरीज हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ओके। स्टे ट्यून, और इसी तरह से और भी लेक्चर आते रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।